धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुरफतेह की सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारे जिन्हें भी माई भाई जुड़ बैठे वो बुलंद आवाज विच गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर सारे जिहड़े पहली बार फतेह च शामिल होणो रह गए बुलंद आवाज विच सारे गज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां सारे साढ़े पंथ दे गुरद्वारे गुरधामां दी सेवा संभाल ली बनाई नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सदे दे उपर बड़े एक अहम इशू ते समुचियां धार्मिक राजनीतिक जथेबंदियां दे आगू साहिबान संत महापुरश इकट्ठे होए आ। मेरे तो पहला बोलण वाले सारे सत्कारयोग बुलारियां ने आप जी नूं बड़े विस्थार नाल दस्सिया कि जिहड़े साडे कौमी योधे सिख संघर्ष के दौरान जिन्होंने अपनियां जिम्मेवारियां नूं निभाया ते अज भारत दीआं वख-वख जेलां च नज़रबंद ने सजावां भी पूरियां कर चुके हैं पर उन्हां दीआं संबंधित सरकारां वल्लों रिहाइयां नहीं हो रहीआं। उन्हां दीआं रिहाइयां दे मुद्दे ते अज पंथ दीआं नुमाइंदा जथेबंदियां आप सारे इत्थे एकत्र हो। मैं एक बेनती करदे आं जदों भी साडी किसे सरकार नाल किसे मुख्यमंत्री नाल किसे मंत्री नाल गलबात होई चाहे सरकार अकाली दल दी सी चाहे सरकार कांग्रेस दी सी इको गल मौजूदा मुख्यमंत्रियों दे नाल जदों भी असी वफद दे रूप विच बंदी सिंघां दी गल लैके गए ते असी इको ही बेनती कीते कि जिहड़े साडे योधे आ इह कोई अपराधी पिछोकड़ दे नहीं ये कोई क्रिमिनल नहीं है। हालात जैसे पैदा हुए सन जदों साढ़े धर्म ते हमला होया धर्मियों ते हमला होया श्री अकाल तख्त साहब के उपर जो साडा सिख प्रभु सत्ता का केंद्र है साडी आस्था का केंद्र सचखंड श्री दरबार साहब उस ते हमला होया साडी जवानी ते साडी पछाण ते हमला होया और जिस देश की आजादी वास्ते सब तो वध कुरबानियां कीतियां सन उत्थे बेगानगी का एहसास होया तां इह सिख हथियारबंद संघर्ष दे वल चले गए। इन्हां नौजवानों ने उस समय जिन्हां ने साडे ते वादे कीते सन उन्हां पंथ दुखियां नूं सजावां दित्तियां घटनावां नूं अंजाम दित्ते ते अज भारत दीआं वख-वख जेलां च नज़रबंद ने उन्हां दीआं रिहाइयां वास्ते हमेशा पंथ आवाज़ बुलंद करदा रहा। आप सारिआं नूं पता है कि गुरद्वारा अंब साहब की धरती ते भाई गुरबख्श सिंह खालसा ने मोर्चा लाया समुचे पंथ ने साथ दिता कुछ सिंघां दीआं परोलां संभव हो सकियां। उस तो बाद बापू सूरत सिंह जी ने मोर्चा लाया कुछ गुरमुख प्यारे प्राप्तियां होईआं पर उह बापू सूरत सिंह नूं उस वेले दी सरकार ने डीएमसी जे हॉस्पिटल नूं जेल बना के नज़रबंद किया होया ते सरकारां बदलदियां रहीआं पर अज भी बापू सूरत सिंह उस हस्पताल दे अंदर फोर्स फीड दे के उन्हां नूं उत्थे रखिया गया। बरगाड़ी दा इंसाफ मोर्चा लगा साढ़े छे महीने लगातार असी बंदी सिंघां दी रिहाई जिथे बेअदबी दे इंसाफ दी गल उत्थे बंदी सिंघां दी रिहाई लई नित आवाज़ बुलंद करदे रहे। मैं बेनती करनी चाहुंदा समय समय जथेबंदियां ने संघर्ष किया कुछ प्राप्तियां होईयां कुछ अधूरियां ने कुछ सिंघां दीआं परोलां जेल तब्दीलियां संभव होईयां पर अज भी साढ़े बहुत सारे सिंह जिहड़े आ जेलां च नज़रबंद आ। अज साढ़े पंथ की नुमाइंदा जमात श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों उन्हां दीआं रिहाइयां लई इकट्ठ सद्या गया पंथ कोलों सहयोग सुझाव ते सहयोग मंगिया गया। मैं बेनती करनी चाहुंदा जिन्हें बंदी सिंह कोई वखरेवां नहीं साडे जथेदार हवारा साहब जथेदार राजोवाणा साहब जां जथेदार प्रोफेसर भुल्लर साहब जिन्हें भी साडे सिंह साहिबान जथेदार भाई कोई लफज कह लवो साडे जिहड़े योधे आ उन्हां च किसे तरह का वखरेवां नहीं सारिआं लई समुचे रूप विच उन्हां वास्ते चारा जोई होनी चाहीदी है ते समुची आवाज़ बुलांदे नहीं
कि किसी एक सिंह वास्ते खास ते दूसरे वास्ते एक वास्ते तीजी ते दूजे वास्ते घेसल वटी जाए। वो सारे साडे कौम दे योधे आ। मैं प्रधान धामी साहब दे ध्यान विच जरूर लियाउणा चाहुंदा कि अज उहनां दे सद्दे ते अज आपां सारे इत्थे इकत्तर होए आ। मैं बेनती करूंगा कि इस दे नाल ही सानूं इह जरूर धामी साहब देखना पवेगा कि उन्हां योधियां ने जिन्हां ने अज जेलां दे विच जवानियां गाल दित्तियां ने, समय समय उन्हां नूं अतवादी वखवादी आखिया जांदा रहा, दुश्मन कहे असीं जर लईए, पर जिस तरह सिवली दे फुल वाली गल हुंदी आ कि लोकां ने पत्थर मारे सानूं दर्द रता ना होई, पर जदों मित्रां ने फुल मारिया साडी रूह अंबरां तक रोई सिवली दे फुल तों। जिहड़े हालात उसदे बने सन, साडे पंथ दीआं नुमाइंदा जथेबंदियां जां पंथक जथेबंदियां दे आगू साहिबान जदों उहनां नूं क्रिमिनल जां अतवादी कहिंदे उदों बड़ा भारी दुख हुंदा जिन्हां कौम लई जवानियां गाल दित्तियां। इस बारे भी धामी साहब जरूर ध्यान करन, मता पास होवे। अज सत्कारयोग आगू सारे जथेबंदियां इत्थे बैठे आ, उहनां सिंघां दे वास्ते इकमुठता दे नाल सारे मसलियां दे उपर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी निरपक्ष काम करे। कोई पंथ की जथेबंदी कोई आगू मैं समझदा पैरी जोड़ा नहीं पावेगा, नंगे पैरी श्री अमृतसर साहब अकाल तख्त साहब ते जां तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच हर सिख आगू ते सिख पहुंचेगा। फैसले निरपक्ष होणगे। परिवारवाद की राजनीति चो निकल के जदों पंथ की राजनीति होवेगी उस वेले सारा पंथ जिहड़ा है नंगे पैरी चल के, ते असी आस करदे आ क्योंकि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते प्रधान साहब, मैं एक बेनती करदे आ, इहदा भी बड़ा सत्कार ते बड़ा पावरफुल है। इस अहुदे ते बैठ के तुसी बहुत वड्डियां जिम्मेवारियां निभा सकदे आ, जिवें तखत साहबाना दे जथेदार जां श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इत्थे दिल्ली कमेटी दे प्रधान साबका मौजूदा इत्थे बैठे है, पंथ दीआं नुमाइंदा जथेबंदियां बैठियां, सरदार मान साहब बैठे है, होर बहुत सारे पंथक जथेबंदियां दे आगू सरदार सरना साहब आए है, जीके साहब आए है, संत महापुरश आए है। मैं विस्थार विच ना जावां, मेरे तो बाद उन्होंने भी तुहाडे संबोधन होना है। मेरी इको बेनती है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पंथ लई निरपक्ष काम जदों करदी है हर सिख की रूह खुश होंदी है, ते असी सारे लक बन के साथ देण वास्ते आ सारियां जथेबंदियां अकाली दल धार्मिक संप्रदावां संत महापुरश निहंग सिंह जथेबंदियां पूरा सहयोग करनगियां। हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का मुख सेवादार होने के नाते असी अपनी संस्था वालों भी पूरा सहयोग श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं देंगे। इन्हां बंदी सिंघां दीआं रिहाइयां होणियां चाहीदियां, संबंधित सरकारां चाहे पंजाब सरकार आ, चाहे हरियाणा सरकार आ, दिल्ली सरकार, चाहे केंद्र दी सरकार आ, किसे सरकार नाल गलबात करनी पवे उहदे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी राबता करे। और आ पंथ दीआं नुमाइंदा जथेबंदियां जिवें सरना साहब ने कहा, सारिआं नूं इक इक नुमाइंदा शामिल करके नाल ते पंथ दा इक जिहड़ा मैं समझदा चेहरा मोहरा सामने सरकारां दे जदों रखिया जावे कि इन्हां मंगां दे वास्ते असीं सारे इक हां, साडे आपसी वखरेवे हो सकदे आ, सौ तरह के गिले शिकवे हो सकदे आ, पर आ जिहड़े साडे पंथ दे मुद्दे आ इन्हां वास्ते असीं सारे इक हां। ते मैं समझदा कोई भी सरकार इस पंथ की मंग नूं ठकरा नहीं सकेगी, ये साडा हक आ, सरकारां नूं देना पवेगा। यही बेनती करदा होया मैं तुहाडे सारिआं तों खिमा मंगदा हाँ, विचार दौरान कुछ वध घट किया गया होवे भुल चुक की खिमा भी मंगदा, ते नाल ही बेनती करदा कि प्रधान साहब धामी साहब तुहाडी वड्डी जिम्मेवारी बनती है अज तुहाडे सद्दे ते आ सारा पंथ इत्थे आया, निरपक्ष फैसले। कोई मसला होवे, बरगाड़ी बेअदबी कांड होवे, बहबल गोली कांड होवे, चौड़ सिद्धवा कांड होवे, लोहारा कांड होवे, सौदा साध कांड होवे, कोई होवे, फैसला निरपक्ष तुसी जदों करोगे सहयोग सारे देणगे। और जिहड़े उहनां लोकां नाल राबता जिन्हां साडे गुरु दा सवांग रचिया जां सानूं चिड़ाया जिन्हां लोकां ने, जिहड़े उहनां दी बार बार पुस्त पुणाई करदे, उहनां नूं कटहरे च खड़ा करना भी तुहाडा फर्ज बणदा है श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा, कि उहनां लोकां दे नाल कोई राबता नहीं।
पंथ आपसी आपसे जिहड़े गिले सिकवे आ इह जदों मर्जी होए एकत्र मिलो मेरे भाई दुबधा दूर करो लिवलाए हर नामै के होवो जोड़ी गुरमुख वैसों सफा विसाए पंथ दी आवाज बुलंद होवेगी। इन्हां गल्लां दे नाल ही गुरमुख प्यारो आओ सारे फतेह अर्ज करो। कोई भी गुरमुख प्यारो फतेह दी सांझ तों वांझा ना रहे दास दी अर्ज कीती फतेह सारे सिर झुका के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।